क्रिस गेल या शायद आफरीदी। सो मेरा वोट ज़्यादा जा रहा है क्रिस गेल के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो जहाज़ में है, उनको जेट लैग हुआ हुआ है, वो जागे ही नहीं है अभी तक इस टूर्नामेंट में। मगर जिस दिन वो जाग गए ना, उस दिन ये ग्राउंड क्या ये पूरा दुबई कम पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी हिटें मारी हैं उन्होंने। सो उनके लिए चैलेंज भी है, एक नई लीग शुरू हुई है, अपना नाम बनाना है उन्होंने, और अभी तक अपना नाम नहीं बना सके। बड़ा चौड़ा कद है मगर काम उतने बड़े चौड़े अभी तक नहीं। मुकाबला बड़ा सख्त चल रहा है दोनों का बल्ले के साथ, क्योंकि क्रिस गेल भी जो हैं वो अंडे कर रहे हैं। आज शायद आफरीदी ने भी कुछ खास स्कोर नहीं किया और शायद जीरो पे आउट हो गए, तो बैटिंग के हिसाब से तो दोनों बराबर ही जा रहे हैं शायद, मगर बॉलिंग में शायद आफरीदी का जवाब नहीं। आज उन्होंने कैच भी एक बहुत ही अच्छा लिया केविन पीटरसन का, गेम चेंजर हैं, चाहे आपको शायद आफरीदी पसंद आए या ना आए, मगर उनके जो चाहने वाले हैं वो डाई हार्ड फैंस हैं, और वो शायद आफरीदी चाहे जीरो करें या चाहे वो हीरो बने या विलन बने, उनको उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनको देखने के लिए आते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ कि जैसे वो आउट हुए तो एक बहुत बड़ी रोर उठी इस स्टेडियम में कि ओह ये क्या हो गया, मगर उसके बाद जब वो बॉलिंग करने आए और जैसे उन्होंने कप्तानी आज की लाजवाब कप्तानी की, क्योंकि 130-35 के स्कोर को इतना टाइट रखना और आखिरी ओवर आखिरी बॉल तक इस मैच को खींच के ले जाना बहुत बड़ी बात थी। तो कप्तानी में 100 में से 100 और बैटिंग में तो खैर सिफर किया तो सिफर ही मिलेगा उनको 100 में से।